उनकी तबीयत कैसी है? वो ठीक है, लेकिन थोड़े रेस्ट की जरूरत है। शुक्रिया। You're welcome. मैंने पहले ही कहा था, पर तुमने मेरी एक ना सुनी। अब देखा नतीजा, संगीत फंक्शन में उसने मुझे गिरा दिया, क्रिकेट मैच में मुझे बॉल से मारा, अब ये वो मैगी के लिए सही लड़का नहीं है, भगाओ उसे यहाँ से। अगर वो एक सेकंड भी यहाँ रहा ना तो मैं कुछ ना कुछ कर जाऊंगा, पता नहीं क्या, लेकिन तुम यहाँ क्यों आए हो मुझे जान से मारने के लिए? अगर भगवान मुझे एक खून की माफी दे दे तो मैं गन लेकर अभी के अभी तुझे शूट कर दूंगा। ये तो गलत बात है, आप उसे कुछ बोलने का मौका तो दीजिए अंकल। शट अप। पर आप उसकी बात सुनते क्यों? आई सेड शट अप। मैं तुम्हारा बाप नहीं हूँ जो तुम्हारे नखरे सह लूंगा। बहुत हुआ, चलो अब चलो। अब एक मिनट में आइए। पर किस लिए? तुम जाओ, मैं अभी आया। तुम्हारी मर्जी। I'm really sorry, sir. आपके साथ अब तक जो कुछ हुआ, आपको लगता है कि उसका जिम्मेदार मैं ही हूं, लेकिन ये सब सिर्फ एक गलत फहमी है। आपने कहा अगर भगवान आपको मौका दे तो आप मुझे मार देंगे, अगर वही भगवान मुझे एक मौका दे तो मैं उनसे आपको ठीक करने की दुआ करूंगा। हो सके तो मुझे माफ कीजिएगा। क्या उसने तुम्हें माफ किया? मजा आया होगा ना उसके पैर पड़ के। मैगी, वो कुत्तों की तरह मुझ पर भौंक रहा था और उसे मारने की बजाय तुम उसे माफी मांग रहे थे। अरे मैगी, अब तुम्हें क्या हो गया है? देखो अंदर कितने खुश हैं सब लोग। अपनी खुशी के लिए दूसरों को दुखी करना ठीक है क्या? यू डोंट वरी, मैं जो हूं यहां, आई विल टेक केयर। तुम बदल गए हो। व्हाट? यू हैव चेंज्ड। तुम्हें स्वीट्स पसंद नहीं है तो भी तुमने संगीत में स्वीट्स खाए। तुम्हें हारना पसंद नहीं है फिर भी तुम जानबूझकर मैच हार गए। बिना गलती के सॉरी नहीं बोलते हो, लेकिन आज वो भी कह दिया। ये तुम नहीं हो विकी, इट्स नॉट यू। मुझे एक बात बताओ, अगर हमारी सोच, विचार और पसंद सब कुछ एक जैसा है तो जब मैं इतने गुस्से में हूँ तो तुम इतने शांत कैसे रह सकते हो? क्योंकि तुम इन लोगों के बीच बदल गए हो। अरे भैया, सब काम हो गया? आ जाओ। इतनी सारी पैकिंग मैं अकेले नहीं कर सकती, मुझे फ्लाइट के लिए लेट भी हो रहा है। कम हेल्प मी। अरे तुमसे कहना भूल ही गई, सुनो, हनीमून के लिए इंडिया ही आना, भावना को ताजमहल बहुत पसंद है, मैं उसे ले जाऊंगी वहां। बहुत हुआ, स्टॉप इट। तुमने विक्की और मैगी के प्यार को कामयाब बनाया, उनके झगड़े को सुलझाया, और अचानक जाने का प्लान, ये सब क्या है? प्यार में किसी को खोने का एहसास कैसा होता है मुझे पता है। मैं नहीं चाहती कि विक्की अपने प्यार को खो दे। इस बात की खुशी है कि वो अपनी मंजिल के करीब है, लेकिन दुख भी हो रहा है कि उससे दूर जा रही हूँ। अगर उसने मेरी आंखों में आंसू देख लिए तो उसे अपने किए पर पछतावा होगा, इसीलिए मैं जितनी जल्दी हो सके जा रही हूँ। प्लीज मुझे मत रुकना। विक्की के शर्त जीतने तक वो चाहता है तुम यहीं रहो, उसे बिना बताए तुम चली जाओगी? जानते हो भैया, उसने सब कुछ गिरा दिया। हाँ। अब तक कहाँ थी तुम? प्रिया इंडिया जा रही है ना, उसकी पैकिंग करा रही थी। ओह, अभी निकली। अच्छा। है वो। प्रिया, प्रिया रुको, तुमने यूं अचानक जाने का फैसला कर लिया? मेरा काम यहाँ खत्म हो चुका है। क्या खत्म हो चुका है? कुछ दिन और रुक जाओ, मुझे जाना होगा। ओह। सुनो प्रिया, तुम यहाँ से नहीं जाओ। अगर मैं वो करूँ जो मुझे अच्छा लगता है तो तुम्हें खुशी होगी ना? Thank you.
याद है जब मेरी बर्थडे पर तुम मेरे साथ थे तब मैं कितनी खुश हो गई थी? उसी तरह तुम्हारी बर्थडे पर मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। लेकिन एक डर था कि तुम ऑस्ट्रेलिया में रहोगे और मैं इंडिया में, इसलिए तुम्हारे बताए हुए तरीके से लैपटॉप से MMS भेजूंगी। हो गई हूँ ना स्मार्ट? चलो अब केक काटते हैं। झूठा हो गया। कोई बात नहीं, तब तक तो हमारी मंगनी भी हो चुकी होगी। You'll be my half husband. तुम नहीं जानते कि इस रिश्ते से मुझे कितनी खुशी होगी। जब मैंने पता लगाया कि ऐसी कौन सी चीज है जो तुम्हें खुश कर सकती है, तो तुम्हारे बारे में एक खास चीज पता चली। इस पूरी दुनिया में जानती हो तुम सबसे ज्यादा किससे प्यार करते हो? अपने आप से। फिर मुझे एक आइडिया आया, तुम्हारे लिए खुद को बदल दिया। तो तुम जितना खुद के साथ खुश रहते हो उतना ही मेरे साथ रहोगे। इसलिए मैंने आज से तय कर लिया है कि मैं वादा करती हूँ जो तुम्हें पसंद है वही मुझे भी पसंद है, जो तुम्हें नहीं पसंद मुझे भी नहीं पसंद। जब ये बात मैंने भैया से कही तो कहने लगे मैं पागल हूँ। स्कूल और डांस छोड़कर उन्हें लगा मुझे खुशी कैसे मिल सकती है। उन्हें ये नहीं पता कि वो सब मेरी पुरानी दुनिया थी, अब तुम हो मेरी नई दुनिया। सच में विकी, I really love you. Love you a lot. अगर पूछोगे कितना तो जवाब नहीं दे पाऊंगी, अगर पूछोगे कैसे तो दिखा नहीं पाऊंगी, लेकिन जब तक मेरे दिल में धड़कन है मैं तुमसे प्यार करती रहूंगी। लव यू विकी, लव यू फॉर एवर। उतने ही ज्यादा लोग तुम्हारे साथ होंगे, लेकिन तुम अगर उनको अपना घमंड दिखाओगे और अपनी सोच उन पर लादोगे तो कोई तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। हैप्पी बर्थडे विकी। थैंक यू। आओ विकी आओ, मुझे लगा था तुम मेहमान हो लेकिन तुम तो हमारे दामाद निकले। अभी मुझे तुम्हारी शर्त के बारे में पता चला। अब सिर्फ दो नहीं, यहाँ सब तुम्हारे फैसले को सही मानते हैं। They are right, Vicky. तुमने ये साबित कर दिया कि विश्वास तजुर्बे से बड़ा होता है। हो सकता है मैं ये शर्त हार गया हूं, लेकिन ये एक बाप की जीत है। अब मुझे अपनी बेटी की भविष्य की जरा भी चिंता नहीं है। सॉरी यंग मैन, मैंने तुम्हें दुख पहुंचाया। नहीं सर, मैंने आपको बहुत दुख पहुंचाया है। मेरे लिए लाइफ में जीतना ही सब कुछ था, इसलिए अपने करियर में भी मैं जीतता चला गया। खुद को सही साबित करने के लिए मैंने आपका चैलेंज भी स्वीकार किया, लेकिन जब जब मैंने जीतने की कोशिश की तो मुझे यह एहसास हुआ कि जिंदगी में जीतने के असली मायने क्या होते हैं। मुझे पता ही नहीं चला मैं कब बदल गया, जब तक मुझे यह एहसास मैगी ने नहीं दिलाया। समझ नहीं पा रहा था कि ये सही है या गलत। मुझे याद है आप सबके चेहरों पर वो खुशी जब इन दोनों में सुलह हुई थी। फिर मुझे अपने पिताजी की बात याद आई। सिर्फ खुद के बारे में सोचोगे तो थोड़ी सी खुशी मिलेगी, पर अगर सबके लिए सोचोगे तो तुम्हारी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। ये बात जाने बगैर मैं सालों तक अपने पिता को दुखी करता रहा। वो मुझे सहन करते रहे पर मुझसे दूर कभी नहीं हुए। पिताजी जो ठहरे, प्यार का दूसरा नाम कुर्बानी होती है सर, ये बात मुझे नहीं पता थी और इसलिए सर प्रिया को दुख देता रहा। प्रिया मुझसे प्यार करती है, इतना प्यार कि वो मेरे लिए अपनी सारी दुनिया छोड़ने के लिए तैयार है। मेरे लिए वो हमेशा हारती रही और मैं उसे अपनी जीत समझता रहा।
ऐसी लड़की को मैंने छोड़ दिया ये बोलकर कि वो मेरे लायक नहीं, हमारी सोच नहीं मिलती। लेकिन आज जब प्रिया मुझे छोड़कर जा रही है, मुझे महसूस हो रहा है कि उस दिन मैंने उसे कितना दुख पहुंचाया। मैं सोचता था कि प्यार में खुद की खुशी ही जरूरी है, पर प्यार तो खुद को दूसरे के लिए बदलने का नाम है। मैं सोचता था एडजस्टमेंट कमजोरी की निशानी है, लेकिन प्यार में एडजस्टमेंट नहीं किया तो आपने क्या किया? मुझे लगता था कि शादी दो परफेक्ट लोगों के बीच होनी चाहिए, पर अब जाके पता चला कि शादी ही दो लोगों को एक दूसरे के लिए परफेक्ट बनाती है। आपने कहा था कि मैं लोगों को खुशी और गम में साथ रहने की प्रेरणा देता हूं, पर मुझे लगता है कि वो उस उम्मीद को खो बैठेंगे, वो भी मेरी वजह से। दादाजी, मैंने जिंदगी में अपनी खुशी के अलावा किसी की परवाह नहीं की। जब मैं अपनी मर्जी का मालिक था, यकीन कीजिए मैं बहुत खुश था, लेकिन मेरे आसपास के लोग नहीं। पर अब ऐसा नहीं होगा। आज मुझे असली खुशी का एहसास हो गया है, जो आप लोगों की खुशी के साथ जुड़ी है। शादी का मतलब है जिंदगी की एक नई शुरुआत, और सही मानों में शादी तभी कामयाब होती है जब दो दिल एक हो जाएं। पूरी जिंदगी खुशी खुशी बिताने के लिए कुछ पलों का गम सहना ही पड़ता है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं दादाजी। तुम्हारे साथ मेरी जिंदगी के सबसे खूबसूरत पल बीते हैं विकी। अगर मैं तुमसे नहीं मिलती तो मुझमें कोई बदलाव नहीं आता। दो लोगों की पसंद मिलने को मैं प्यार समझती थी, पर प्यार में जरूरी होता है दो दिलों का मिलना। हम एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं विकी, पर फिर भी मैं खुश हूं। सीरियसली, मैं बहुत खुश हूं। जानते हो क्या, आज तक इस पूरी दुनिया में मैं बिल्कुल अकेली थी। तुम्हारी वजह से अब ये सब मेरी दुनिया है। तो लाइफ से अब कोई शिकायत नहीं, और इस सब की वजह सिर्फ तुम हो। थैंक्स अ लॉट विकी, शुक्रिया डैडी। मैंने आपको कितनी बार दुख पहुंचाया है ना। I'm sorry. इधर आओ। Hey, मैं दुखी नहीं बल्कि बहुत खुश हूं। I'm happy. Thank you, विकी। ये सब तुम्हारा कमाल है। तुम हमें दुखी करके नहीं जा रहे हो। हम सबको तुमने मिलाया, हमारे रिश्ते को मजबूत किया। सच कहूं तो तुमने प्यार का असली मतलब समझाया है। विकी, जो प्यार हमें एक दूसरे के करीब लाया है, अब हमें उसी प्यार के साथ रहना है। क्या हुआ?